इसके अंदर अपन आज इंस्ट्रक्शन साइकिल देखने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जितनी बड़ी है घबराना नहीं है। क्या है इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस होने से पहले सबसे पहले सीक्वेंस काउंटर को जीरो करके स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। अब सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर ने हमारा नेक्स्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एड्रेस रजिस्टर में जाएगी। फिर एड्रेस रजिस्टर में जब वैल्यू आ गई, उस वैल्यू के अंदर क्या है इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस पे, मेमोरी लोकेशन ऑफ उस एड्रेस के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू डलवा देते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन है, और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट कर देते हैं। प्रोग्राम काउंटर बेशक यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया तो डिकोड फेच और एग्जीक्यूट चालू। डिकोड करा और पहले डिकोड कर लिया यहाँ पे सारे इस बॉक्स के अंदर डिकोडिंग हो रही है। डिकोडिंग कैसे हो रही है कि आई के अंदर हमने 15वीं बिट डलवा ली, एड्रेस रजिस्टर के अंदर हमने एड्रेस डलवा ली 0 से 11, और डिकोडर से हमने जो ओप कोड था उसको डिकोड कर लिया। 12 से 14 में ओप कोड होता है अपना। अब उसके बाद क्या D7 का क्या मतलब है, D7 हमारा तभी 1 होगा। D7 का मतलब डिकोडर का जो 7th आउटपुट है वो 1 है। 1 कब होगा, 111 पे। अब 111 हमने रिजर्व करा था अपना रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। अगर 1 है तो यानी कि हमें रजिस्टर या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 है तो नॉर्मल वही मेमोरी रेफरेंस। 0 देख लेते हैं, 0 के अंदर फिर वो चेक करेगा आई बिट, आई यानी 15वीं बिट उसकी इंस्ट्रक्शन कोड की। 15वीं बिट अगर 1 है तो यानी कि हमें फेचिंग करनी है, पहले जो एड्रेस है उससे इफेक्टिव एड्रेस निकालना है। इफेक्टिव एड्रेस निकाल लिया, जो एड्रेस था उसकी मेमोरी लोकेशन पे दोबारा एड्रेस पड़ा है वो आ गया। नहीं करना तो इसको आप सीधा भी जोड़ सकते हो, नथिंग लिखने को फायदा नहीं, सीधा जोड़ दिया। एग्जीक्यूट करा, सीक्वेंस काउंटर को 0 बना दिया। अब अगर हमारी D7 की वैल्यू 1 है यानी कि 111 है, यानी रजिस्टर या आई ऑपरेशन है, फिर आई बिट या 15वीं बिट चेक करो। 1 का मतलब क्या आई ऑपरेशन है, 0 का मतलब रजिस्टर ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आई ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वापस ऊपर से जाके नहीं दोबारा से प्रोग्राम काउंटर के अंदर रजिस्टर वैल्यू, और ऐसे लूप चलता रहेगा।